मैक्रो मनोरंजन के लिए बहुत अच्छा होता है, मैक्रो के बारे में बात करके चाय पकोड़े खाने के टाइम मजा आता है, बट पैसे सचमुच में बनते हैं माइक्रो में। आपको किसी ग्राउंड में रन बनाना है, आपकी बैटिंग की स्किल सेट विराट कोहली या राहुल द्राविड जैसे होनी पड़ेगी। ग्राउंड के कंडीशंस के बारे में बात करके रन नहीं बनते। आप सैलरी कमा रहे हो या आप एक छोटा सा बिजनेस चला रहे हो जिसकी आमदनी आपके पास आ रही है, आपकी जो बचत है उसको लेके आप करोगे क्या? बीक्यू प्राइम हिंदी के दर्शकों को हमारा नमस्कार। और एक चेष्टा ये करनी चाहिए हमेशा निवेश करते हुए कि वो लोग जो सक्सेसफुली साल बर साल पैसा अच्छी तरह से कमा सकते हैं, लो रिस्क डालते हुए पैसे कमा सकते हैं, उनसे सीखें कि वो ये काम कैसे करते हैं और फिर उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनी प्रैक्टिसेस में इम्बाइब करने की कोशिश करें। तो यही हमारी चेष्टा रहेगी बीक्यू प्राइम हिंदी टीम की। और मैं बीक्यू प्राइम इंग्लिश का एग्जीक्यूटिव एडिटर हूं। आज मेरे साथ मार्सेलस के सौरभ मुखर्जी हैं, जो स्टॉक्स में काफी टाइम से, पहले जब सेल साइड में थे तभी एडवाइस करते थे और उनके रिपोर्ट्स बड़े माने जाते थे, और अब जब ये बाई साइड में आ गए हैं मार्सेलस में, तो उनका परफॉर्मेंस काफी जोरदार रहा है साल बर साल, और इसलिए उनसे कोशिश करते हैं जानने की कि वो इन्वेस्टिंग और निवेश के बारे में कैसे सोचते हैं। सौरभ, बीक्यू प्राइम के लॉन्च के अवसर पे ये टीम के साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मुबारक हो बीपी प्राइम को, मुबारक हो हिंदी लॉन्च पे। थैंक यू सो मच। सौरभ, आप मार्केट्स को कैसे अप्रोच करते हैं जब आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं? देखिए हमारी जो सोच रही है बराबर, जब से हमने मार्सेलस की स्थापना की है, कि तीन चीजों की हमको खोज करनी है। पहला, ऐसे प्रमोटर, ऐसे कंपनी जहाँ पे अकाउंट साफ सुथरे हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी हो। दूसरा, आ, 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 ऐसे प्रमोटर जिनकी कैपिटल एलोकेशन की क्षमता दूसरों से ज़्यादा है। इसका एक समझने का सिंपल तरीका है, अच्छे प्रमोटर, अच्छे काबिल प्रमोटर का हमेशा साइन होता है कि कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल 15% से ज़्यादा आती है साल पे साल, दशक पे दशक। तो वो दूसरी हमारी खोज रहती है, अच्छे अकाउंट्स, अच्छी कैपिटल एलोकेशन। और तीसरी चीज़ जो हम खोजते हैं कि कंपनी की जो डोमिनेंस हो, कंपनी का अपने अपने सेक्टर में, अपने फ्रेंचाइज में बिल्कुल बाहुबली जैसा फ्रेंचाइज हो, कंपनी की प्रोडक्ट की प्राइसेस कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले 20-30-40% ज़्यादा हो, और फिर भी कोई कस्टमर कंपनी को छोड़ के बाहर नहीं जाता। तो अगर एक उदाहरण दूँ, मेरे हाथ में एक एप्पल का फ़ोन है, एप्पल का आईफोन, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल ऐसी चीज़ का। सबसे महंगी फ़ोन मार्केट में हमेशा एप्पल रहती है, लेकिन फिर भी एप्पल के कस्टमर कभी भी एप्पल को छोड़ के सस्ता फ़ोन लेने नहीं जाते। तो क्लीन क्लीन अकाउंट्स, अच्छी कैपिटल एलोकेशन और डोमिनेंट फ्रेंचाइज, बाहुबली प्रकार फ्रेंचाइज। सौरभ, आप शायद टॉप डाउन इन्वेस्टिंग में इतना बिलीव नहीं करते जितना बॉटम अप इन्वेस्टिंग में करते हैं, अगर मेरा अजम्पशन सही है तो। आप बताएं कि एक आम रिटेल इन्वेस्टर जब इन्वेस्टिंग करता है तो क्या उसको टॉप डाउन इन्वेस्टिंग, मतलब के सेक्टर को देखो और फिर सेक्टर के दो तीन कंपनीज को ले लो क्योंकि सेक्टर अच्छा करेगा, उसमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, या बॉटम अप के भाई अच्छी कंपनी ढूंढो और उसमें इन्वेस्ट करो? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए जब इन्वेस्टिंग सीखनी है, एंड स्पेशली अगर रिटेल इन्वेस्टर है, उसके पास टाइम कम है, रिसोर्सेज भी शायद थोड़े मॉडेस्ट होंगे, सबसे आसान चीज़ है बॉटम अप से शुरू करें। एनुअल रिपोर्ट पढ़ना सीखें, एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के लिए काफ़ी सारे फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं। एनुअल रिपोर्ट पढ़ के एक कंपनी की छवि बनाने की चेष्टा करें अपने दिमाग में, इन तीन चीज़ों का, अकाउंट साफ है या नहीं, प्रमोटर को कैपिटल एलोकेशन आता है या नहीं, और तीसरा कंपनी की फ्रेंचाइज में प्राइसिंग पावर शक्ति है या नहीं। ये तीन चीजें अगर आपने एस्टैब्लिश कर लिया है एनुअल रिपोर्ट पढ़ के, 80-90% काम आपका हो चुका है। उसके आगे अगर आपको टॉप डाउन बॉटम अप मतलब कंपनी का काम के साथ मैक्रो को मिलाना है, बिल्कुल मिलाने की कोशिश कर सकते हो, बट मैक्रो में वैल्यू ऐड काफी छोटा रहता है। मैक्रो मनोरंजन के लिए बहुत अच्छा होता है, मैक्रो के बारे में बात करके चाय पकौड़े खाने के टाइम मजा आता है, बट पैसे सचमुच में बनते हैं माइक्रो में। तो अगर मैं क्रिकेट का उदाहरण दूँ, बिल्कुल अगर आपको समझ आ रहा है कि स्पिनिंग विकेट है या स्विंगिंग विकेट है, बिल्कुल आप उसके बारे में बात कीजिए, बट अगर आपको किसी ग्राउंड में रन बनाना है, आपकी बैटिंग की स्किल सेट विराट कोहली या राहुल द्राविड जैसे होनी पड़ेगी। ग्राउंड के कंडीशंस के बारे में बात करके रन नहीं बनते, अच्छी बैटिंग की स्किल सेट, अच्छी बैटिंग की टेक्निक से ही रन बनते हैं। लोग कहेंगे आजकल सूर्य कुमार यादव जैसी भी हो सकती है क्योंकि वो काफी अच्छा खेल रहे हैं, जी, बट उनकी स्किल सेट भी कमाल की है ना, वो ऑस्ट्रेलिया के बाउंसी विकेट में बना रहे हैं,
इंडिया के फ्लैट ट्रैक्स भी बना रहे हैं, तो हाँ बैट्समैन की जो स्किल सेट है वो इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्टर की जो हाँ एनुअल जी रिपोर्ट्स पढ़ के कंपनी को समझने की क्षमता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जी जरूर जरूर। सौरभ, एक एक ओपिनियन, लास्ट एक साल से मैं सुन रहा हूँ, आपका ओपिनियन चाहूंगा इस पे, कि लोग कहते हैं कि पिछला दशक B2C कंपनीज का था, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने इतना अच्छा नहीं कर पाए थे क्योंकि चाइना सब जगह पे डोमिनेट कर रहा था। ये दशक शायद B2B कंपनीज का भी हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शायद अच्छा कर पाए ना। मेरा क्वेश्चन ये है, शायद आप कहेंगे कि दोनों कंपनीज अच्छा कर सकती हैं, बट मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपके पोर्टफोलियोज में एशियन पेंट्स, पिडिलाइट वगैरह B2C कंपनीज भी हैं, आपके पोर्टफोलियो में GMM पॉडलर जैसी B2B कंपनीज भी हैं शायद। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि दोनों सेट्स ऑफ कंपनीज में से किसमें शायद पैसा बनाने की गुंजाइश ज्यादा हो सकती है इस दशक में? देखिए, अगर आप सोचे कि किस प्रकार के कंपनीज आपके लिए बैरियर टू एंट्री बना के एक ऐसा फ्रेंचाइज बनाएंगे जहाँ पे दूसरे कॉम्पिटिटर उनको छू नहीं सकते, B2C में वो करना थोड़ा आसान रहता है। इन द सेंस, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी बनाए, ब्रांड अच्छी बनाए, अपने अपने सप्लाई चेन को तगड़ा बनाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, तो एक अच्छी बैरियर टू एंट्री बन सकती है। और उसी प्रकार से जैसे आप बोल रहे हो, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, पेज इंडस्ट्रीज ने हमारे क्लाइंट्स के लिए मोटा कमा के दिया है। नाउ ये सेम चीज B2B में भी हो सकता है। तो अगर हम देखें, GMM फॉर्डलर क्यों ROC 25% कमाता है, या अल्काइल अमीन्स क्यों 35% ROC कमाता है, क्योंकि GMM और अल्काइल जो काम करते हैं वो दूसरे उनके कॉम्पिटिटर्स के लिए करना मुश्किल रहता है, राइट? तो अगर बैरियर टू एंट्री B2B में बनाई जा सकती है, B2B में बैरियर टू एंट्री बनाना कुछ आसान नहीं है, काफी टफ है, 30-30 साल का मेहनत लगता है। अगर बैरियर टू एंट्री के कंपनी आपको B2B में मिल जाए तो बिल्कुल बेशक लीजिए, वहां पे आप पैसा कमाओगे। बट ये सोचना थोड़ा गलत होगा मेरे ख्याल से कि बिकॉज चाइना का इकोनॉमी टूट रहा है, अब धनाधन फटाफट मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में पैसे बनेंगे, राइट? मैन्युफैक्चरिंग में B2C कंपनीज भी हैं। मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग में B2C कंपनी इंडिया में कुछ खास कमा नहीं पाते, वही चीज बनाते हैं जो उनके 100 कंपटीटर बनाते हैं, और आलू प्याज के भाव उनकी प्रोडक्ट बिकती है, और पैसे बनाने की क्षमता उनकी काफी कम है। मैन्युफैक्चरिंग में ही पेज इंडस्ट्रीज 50% 60% ROC कमाता है, वेयर एज मैन्युफैक्चरिंग में 99% ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स 15 को भी क्रॉस नहीं कर पाते। तो मैन्युफैक्चरिंग चलेगा या सर्विसेज चलेगा, एक्सपोर्ट्स चलेंगे या इम्पोर्ट्स चलेंगे, वो आई थिंक काफी सेकेंडरी डिस्कशन है। ये डिस्कशन बिल्कुल जमता है कि जिस कंपनी के पास बैरियर टू एंट्री है, वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, B2C करे, B2B करे, मोटा कमा के देगा, उस पे हमारी फोकस है, उसके आपके दर्शकों की फोकस होनी चाहिए। व्यूअर्स, ये B2C B2B के उलझन में ना पड़े, बैरियर्स टू एंट्री, मोट जिसे कहते हैं, और जैसे एनुअल रिपोर्ट सौरभ जी ने कहा पढ़ना सीखें, अगर उस हिसाब से अगर आप निवेश करें तो शायद आपको बेटर बेनिफिट हो सकता है। सौरभ जी सॉरी। एक क्विकली क्रिकेट का उदाहरण देके फिर से इसको हाँ दर्शाता जी हूँ कि कितना फैसाइल डिस्टिंक्शन है, कितना यूजलेस डिस्टिंक्शन है B2B और B2C का। कुछ लोग बोलते हैं कि लास्ट लास्ट 10 साल नॉर्थ इंडिया के प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट टीम में हावी रहे हैं, अगले 10 साल साउथ इंडिया के प्लेयर्स हावी रहेंगे, राइट? अगर आप सिलेक्टर हो, आई डोंट थिंक आप ये बैठते हो सोच के कि नॉर्थ का प्लेयर लूंगा या साउथ का प्लेयर लूंगा। आप खोज रहे हो उस कुशल प्लेयर को जो इंडिया के लिए मैच जीत सके। तो सिमिलरली जो दर्शक हैं, आपको सुबह उठ के ये नहीं सोचना कि B2B या B2C, आपको खोजना है वो कंपनी जो आपके लिए मोटा कमा सके, और सेक्टर कौन से सेक्टर से आएगा वो मेरे लिए काफी सेकेंडरी रहता है। जस्ट एज वेन वी वॉच एन इंडियन क्रिकेटर, वो किस पार्ट ऑफ इंडिया से आता है हमारे लिए सेकेंडरी रहता है। वेरी इंटरेस्टिंग व्यूअर्स, क्रिकेटर रांची से भी आ सकता है, कश्मीर से भी आ सकता है, और मेजर सेंटर्स बॉम्बे और दिल्ली से भी आ सकते हैं, जैसे इस बार इंडियन टीम में है। सौरभ जी, ये उदाहरण देने के लिए शुक्रिया। लास्ट दो क्वेश्चन जल्दी कर लेंगे। एक, आपके पास एक किंग्स ऑफ कैपिटल करके पोर्टफोलियो है, तो जाहिर है कि आप फाइनेंशियल्स में काफी निवेश करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बैंक्स तो चलो सभी बोल रहे हैं कि अच्छा होगा, आप 2 साल से बोल रहे हो जब लोग नहीं भी बोल रहे थे, तो बैंक्स में तो चलो पैसा बनेगा ऐसा दिख रहा है। मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे इंश्योरेंस में,
या म्यूचुअल फंड वाली जो कंपनी लिस्टेड है उनमें जहां लास्ट 1-2 साल, जैसे हम HDFC लाइफ का मैं भाव देख रहा था 2018 मई जून में 540 का भाव था या 500 का भाव था, अभी 540 के इर्द गिर्द है, तो 3-4 साल में बहुत पैसा बना नहीं है। तो इन सब शेयरों में निवेशक क्या कर सकते हैं? देखिए, एक डिस्टिंक्शन आना पड़ेगा। जो ये सेविंग्स का जो खेल है, इसमें मोटा मोटी दो हिस्से हैं। एक है एसेट मैनेजमेंट और दूसरा है इंश्योरेंस। एसेट मैनेजमेंट में जो इंडिया के लिस्टेड एसेट मैनेजर्स हैं, प्राइमरीली म्यूचुअल फंड्स हैं। एंड म्यूचुअल फंड्स में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इस भयंकर प्रकार से बढ़ रही है। ट्रैकर फंड्स आ रहे हैं, ETFs आ रहे हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स, फिनटेक स्टार्टअप्स ऐप पे म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं बहुत कम कम भाव पे। तो जो म्यूचुअल फंड स्पेस है, वहाँ पे पैसा बनाना मुश्किल रहा है, हमारे लिए भी रहा है। हमने भी एक म्यूचुअल फंड स्टॉक लिया था, फिर बाद में रियलाइज किया कि गलती हो गई, वो बेच दिया। सो म्यूचुअल फंड में मेरे ख्याल से आगे जाते हुए भी पैसा बनाना मुश्किल रहेगा। नॉट बिकॉज फंड फ्लोज नहीं आएगी, फंड फ्लोज बिल्कुल आएगी, बट प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल पिस जाएगा। बिल्कुल दूसरे प्रकार का चीज है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में दो अलग अलग सेगमेंट्स हैं, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। बैरियर्स टू एंट्री हाई है नए एंट्रेंट्स, दोनों में लाइफ इंश्योरेंस जनरल से बैरियर्स टू एंट्री कम आए हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ है, जो 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 डोमिनेंट प्लेयर्स हैं उन्होंने अच्छी रिटर्न ऑन कैपिटल कमाई है। तो लेट्स टेक जनरल इंश्योरेंस। यहाँ पे ICICI लॉम्बार्ड हमारे पोर्टफोलियो में है। मोटर इंश्योरेंस का राजा है ये। मोटर इंश्योरेंस में लास्ट 20 साल में कमाल का काम किया है। हेल्थ में उन्होंने प्रवेश करके हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। हमको लगता है कि जनरल इंश्योरेंस में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ने की पॉसिबिलिटीज कम है। एंड ICICI लॉम्बार्ड जैसा स्थापित प्लेयर अच्छे ब्रांड के साथ आपके लिए, मेरे लिए कमा के देगा। तो उनकी बिजनेस कोविड के पहले साल में अच्छी बढ़ी, फिर कोविड के दूसरे साल में थोड़ी कम बढ़ी। बट ओवरऑल अगर आप देखें, जनरल इंश्योरेंस स्पेस में ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, बिकॉज नए एंट्रेंट नहीं आ पाते आसानी से। लाइफ इंश्योरेंस में और भी टफ है नए ट्रेंड्स के लिए आना। इरिडा के जो कैपिटल रिक्वायरमेंट के पॉलिसीज हैं, बहुत मुश्किल हो गया है साइजेबल लाइफ इंश्योरर इंडिया में खड़ा करना। और इसलिए जो प्लेयर स्थापित हैं वो अच्छा कमा के देंगे। लाइफ इंश्योरेंस में कुछ कुछ लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली म्यूचुअल फंड का धंधा चलाते हैं लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, उनसे हम दूर रहते हैं। बिकॉज म्यूचुअल फंड का धंधा चलाना लाइफ इंश्योरेंस के अंदर मेरे ख्याल से काफी कुछ खास क्लेवर आइडिया नहीं है। बट कुछ लाइफ इंश्योरेंस जेन्युइन लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन बेचते हैं, उनमें से HDFC लाइफ हमारे पोर्टफोलियो में है। इनका बिजनेस अगर मैं लास्ट 2 साल, 3 साल, 4 साल का डेटा देखूं, ग्रोथ अच्छी आई है बिजनेस में। रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस में ROE नहीं, ROEV देखते हैं, 15 से 20 के बीच में हवर करती है। उम्मीद है हमारी कि ये रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू क्लोजर टू 20 जाएगी रादर देन क्लोजर टू 15। बट गिवन दैट यहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री हाई है और हमारे देश में यंग पॉपुलेशन है जिसको अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करना है, हमारे ख्याल से लाइफ इंश्योरेंस में बहुत पोटेंशियल है। अगर आप, मैं चूज करूँ सेविंग्स में कहाँ पे पैसा बनेगा, सबसे लाइकली है लाइफ इंश्योरेंस में बनेगा, फिर जनरल इंश्योरेंस में बनेगा, और म्यूचुअल फंड मेरे ख्याल से ये एसेट मैनेजमेंट काफी डिफिकल्ट स्पेस रहेगा शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बनाना। आपका मानना होगा कि फिलहाल कंसोलिडेशन फेज था 3-4 साल, कभी ना कभी इनमें बढ़त दिखेगी। जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में हमारे ख्याल से बढ़त बिल्कुल दिखेगी, और इसलिए हम बहुत ICICI जरूर लॉन्ग जरूर। सौरभ एक्सी लाइफ लेके बैठे हैं। जी, आखिरी सवाल, हमने आपका बहुत टाइम ले लिया है, आखिरी सवाल, भारत पे बेट, क्योंकि इन्वेस्टर्स को कई बार लगेगा, कमेंट्री सुनेंगे कि भाई ग्लोबल मार्केट्स नीचे आ रहे हैं तो क्या हम बेच दे या ले ले। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर होते ना कि फंड मैनेजर होते, तो क्या आप बेट लगा के थोड़े सालों के लिए बैठे रहते, जैसे आप अभी अपने फंड्स में कर रहे हैं? क्या आप यही एडवाइस करेंगे निवेशकों को? क्योंकि बैठे रहने का लॉजिक तो मेरे को कुछ समझ आया नहीं, क्योंकि आप इन्वेस्टेड करोड़, रहना, सॉरी। हाँ जी, सो मैं जो बोल रहा हूँ कि मानिए आप सैलरी कमा रहे हो या आप एक छोटा सा बिजनेस चला रहे हो जिसकी आमदनी आपके पास आ रही है, आपकी जो बचत है उसको लेके आप करोगे क्या? आप FD में डालोगे तो इन्फ्लेशन आपके पैसे को राख बना देगा। आप कुछ ये एंडाउमेंट पॉलिसीज लोगे, वहां पे भी कुछ खास रिटर्न नहीं है। रियल एस्टेट में तो पैसा बनता नहीं है, सबको पता चल गया वो। तो अगर आप, आपके पास बचत के पैसे हैं और आप उसको इक्विटीज में निवेश नहीं करोगे तो वो करोगे क्या? मेरे को मेरे मेरे ऑनेस्टली मेरे को पता नहीं है। शायद आपके पास कुछ और, शायद आपके दर्शकों के पास कुछ कमाल का राज होगा। तो मेरी सोच रही है कि जैसे जैसे हमारी बचत बढ़ती है, हमारे क्लाइंट की बचत बढ़ती है, अच्छे कंपनीज में निवेश करें,
वो शेयर प्राइस कल सुबह चलेगा या अगले हफ्ते चलेगा या अगले साल चलेगा हमको पता नहीं रहता, बट हमको तो नजर रहता है कि बिजनेस मोटा मोटी बिजनेस जो कैश फ्लो है कंपनी की मोटा मोटी 20-25% से ग्रो कर रही है। तो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारे क्लाइंट्स को, मेरे को उस प्रकार का रिटर्न मिलेगा और उससे हमारी जिंदगी काफी हद तक सुधर जाएगी। सो पैसा अगर सेविंग है आपका, आप डाल सकते हो इन लो रिटर्न प्रोडक्ट्स, बट इन्फ्लेशन आपके पैसे को राख बना देगा, उससे बेहतर है आप अच्छे स्टॉक्स में निवेश करें। सौरभ जी, आप आपका खूब आभार। आप हमारे लॉन्च पीरियड में आए हैं और उम्मीद है कि आप हमें ऐसे ही सहायता करते रहेंगे और अपनी ओपिनियन बीक्यू प्राइम हिंदी पे देते रहेंगे। थैंक कोशिश तो पूरी रहेगी। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। यू सो मच सौरभ जी, और व्यूअर्स थैंक यू सो मच इस बार जुड़ने के लिए।